पूरा देश नए साल का जश्न मना रहा है, लेकिन अपने हक के लिए किसान बॉर्डर पर बैठा है। कड़कड़ाती ठंड में भी किसान बॉर्डर पर रात गुजार रहा है। अब ऐसे में कई लोग किसानों के साथ ही नया साल मनाने पहुंच रहे हैं। किसानों का आंदोलन कड़कड़ाती ठंड में भी जारी है। लोग न्यू ईयर का जश्न मना रहे हैं, लेकिन न्यू ईयर पर किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। लोग कुल्लू मनाली जाकर न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन साइकिल पर सवार ये दो दोस्त मीलों की दूरी तय कर अपना नया साल किसानों के साथ मनाने पहुँचे। अपने बच्चों नाल कोई कुल्लू, कोई मनाली, कोई शिमले, कोई इधर जाके मनाउंदे है। ते साडी जमीर ने अंदरों आवाज दित्ती कि यार नहीं, साडे जिहड़े बजुर्ग है, साडे चाचे ताए भैणां, साडे बच्चे, साडे दादे जिहड़े दिल्ली दे विच इन्नी ठंड दे बावजूद किसान संघर्ष दे विच बैठे है, पूरा तकरीबन एक महीने तो हो गया, महीने तो उपर उन्हां नूं ते उह बच्चियां नाल कई अपने परिवारां समेत बैठे है, कई परिवार छड्डी बैठे है। साडे अंदर उह जमीर जागी कि असीं इतकी नहीं यार, साडे बच्चियां ने भी कहा भी नहीं, असीं नवां साल ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸੇ ਲਗਭਗ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦੋਨੋ ਦੋਸਤ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਪਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਦਿਲ ਮੇ ਕਿਸਾਨੋ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਔਰ ਉਨਕਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਔਰ ਗੁਰੂਚਰਨ ਨੇ ਗਾੜੀ ਆ ਬਾਈਕ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਈਕਲ ਸੇ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕੀਆ। ਇਧਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋਨੇ ਦੋਸਤ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਚਲਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। हर साल दोनों दोस्त नए साल का जश्न अपने परिवार के साथ मनाते थे, लेकिन इस बार किसान को ही अपना परिवार समझकर उनके बीच पहुंच चुके हैं और सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं कि किसानों की बात मान ली जाए ताकि वो अपने परिवार के साथ दूसरे त्योहार मना सके।